स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स में। मैं नरेश कुमार आज आपके लिए एक और जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। साथियों, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉप चैप्टर है आपका स्क्रू फास्टनर के अंदर बोल्ट्स का, नट्स का, उन्हीं के ऊपर जो है आज का वीडियो रहेगा हमारा। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो रेगुलर आपके पास आता रहे। और साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उससे मुझे जो है प्रेरणा मिलती है, मैं और आपके लिए मेहनत करके अच्छी से अच्छी और वीडियो लेकर आता रहूं। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, चाहे वो 1 ईयर की ट्रेड हो चाहे वो 2 ईयर की ट्रेड हो आपकी, उन सभी के लिए ये हमारा कॉमन चैप्टर है आपका स्क्रू फास्टनर का आपके सिलेबस के अंदर। तो उसके अंदर आपके नट बोल्ट स्क्रू है, उन सभी के बारे में ही आप हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथी, शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोल्ट, तो बोल्ट क्या चीज होती है साथियों? ये एक स्क्रू मेंबर है आपका, जिसके अंदर जो दो पार्ट होते हैं आपके, आपने देखा भी होगा, सबसे सभी ने डेली पर्पस में भी आपने कभी देखा होगा इसको, जो आपका बोल्ट होता है। तो ये पूरे जो है बोल्ट की जो पूरी कंप्लीट बॉडी है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये आगे वाला हिस्सा जिसको यहाँ पर आपको एरो दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम हेड, और जो ये पूरा है ये आपका इसका जो है शैंक रहेगा विद स्क्रू थ्रेड के साथ, चुड़ियों के साथ। ये पूरा जिसके जो ये लेंथ वाले एरिया दिख रहा है, ये आपका जो पूरा, इसको बोलेंगे हम शैंक। ऊपर वाले को हेड और नीचे वाले हिस्से को शैंक बोलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बोल्ट जो है आपको पता है स्क्रू मेंबर है, किसी चीज को जो है एक टेम्परेरी टाइप ये फासनर है जिसको हम इजीली खोल भी सकते हैं, कभी भी हम इसको टाइट कर सकते हैं और इजीली इसको डिसमेंटलिंग मेंटलिंग करना आसान है, इसको लगाना खोलना, तो इसलिए इसका जो है ज्यादा यूज किया जाता है। और जो सारे फासनर जनरली जो है गुड, जो मेड ऑफ स्टील के होते हैं गुड, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और जो बोल्ट है अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, और जो शेप उनकी जो हेड की जो शेप होती है उसी के हिसाब से इनके जो है नाम यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि हेक्सागनल, स्क्वायर, सिलेंड्रिकल चीज, कप, राउंड, टी, हुक, आई बोल्ट एक्सेट्रा, जो है अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपके जो बोल्ट रहेंगे। तो जैसे इनकी शेप होगी हेड की, उसी हिसाब से इनके जो है यहाँ पर नाम जो दिया गया है। तो सबसे जो कॉमन जो हमारा बोल्ट रहेगा, एग्जाम में भी आता है, वो हमारा ये पहला ही जो है टाइप रहेगा, हेक्सागनल हेडेड बोल्ट। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हेक्सागनल हेडेड जो है बोल्ट की आपको फोटो दिख रही है यहाँ पर। तो इसके इस तरह से अगर फ्री हैंड आपको बनाना है तो आपने इस तरह से बोल्ट बना के आना है। तो इसके पार्ट के दो चार नाम भी रख लीजिए, जैसे कि आपको ये बताया था मैंने, ऊपर वाला हेड होगा, ये इसकी लेंथ होगी, शैंक हो गया, ये इसका बॉडी डायमीटर है, ये बेयरिंग सरफेस है विद वाशर फेस, यहाँ पर वाशर लगी होगी, और ये चैम्फर क्या होगा कॉर्नर पर 45 डिग्री के ऊपर। तो कुछ एक पार्ट के जो है आपने यहाँ पर नाम भी लिखने हैं, तभी आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। तो ये एक सबसे कॉमन था, ये आपने ध्यान रखना है, कई बार सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तीन टाइप के वो जो है बोल्ट बनाइए, तो कोई भी बना सकते हैं। अगर बाई नेम आता है तो आपने नाम बाई नेम के हिसाब से ही आपने बनाना है। तो हेक्सागनल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे कॉमन यूज होने वाला बोल्ट है ये, तो ये आपने ध्यान रखना है इसको। तो फिर आता है हमारा सेकंड, स्क्वायर हेडेड बोल्ट। तो स्क्वायर हेडेड है, इसका जो हेड भी बिल्कुल स्क्वायर टाइप का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इसका जो बोल्ट है ये भी कॉमन पर्पज में यूज होता है। ये बोल्ट का जो है आपको यहाँ पर स्क्वायर जो इसकी कैविटी मिलेगी, और प्रिवेंट टू ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, द स्क्वायर हेड जनरली सिट इन स्क्वायर कैविटी, स्क्वायर होल होगा वहीं इसको फिट किया जाएगा, जो प्रिवेंट करता है रोटेशन व्हाइल द नट इज हैंडल। जबकि जो हेक्सागनल बोल्ट था जो हमारा वो क्या करता है, कई बार घूम जाता है अगर वाइब्रेशन वगैरह हो, लेकिन स्क्वायर का जो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये घूमेगा, ठीक है। तो ये भी कॉमन है यूज होने वाला बोल्ट, तो ये देख सकते हैं विद स्क्वायर नेक है इसकी, तो किस तरह की शेप आपने इसे ऐसा ही वहां एग्जाम में बनाना है। फिर आता है हमारा तीसरा है सिलेंड्रिकल हेड। तो ये सिलेंड्रिकल हेड देख लीजिए, इसका सिलेंडर का टाइप है शेप। तो एग्जाम में आप ये वाला भी चित्र बना सकते हैं आइसोमेट्रिक में, या आप ये भी बना सकते हैं फ्रंट और साइड व्यू इसका बोल्ट, तो कोई भी आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो ये स्क्वायर, ये आपका सिलेंड्रिकल है, तो
तो गोल टाइप इसका शेप रहेगी हेड की, तो आपने ये बनाना है। फिर बात करते हैं हम, आगे चलते हैं, आपका कप हेड या राउंड हेडेड बोल्ट, तो ये कप शेप के अंदर आपकी यहाँ रहेगी, ये दिख रहा होगा आपका, ये देखिए कप हेडेड, ये राउंड हेडेड है, राउंड हाफ राउंड है इसका कप, ये देख सकते हो, तो ये साइड व्यू भी आप देख सकते हो, इस तरह से जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा। और ये कीवी भी है इसके अंदर, छोटा सा कीवी फिट होगी, तो ये चाहे आप ये साइड व्यू फ्रंट व्यू बनाइए, चाहे ये आप फ्रंट ये व्यू बना सकते हैं एग्जाम में। फिर आपका टी हेडेड बोल्ट, तो ये टी शेप के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए टी बनी हुई है, तो ये टी हेडेड आपका बोल्ट रहेगा, तो ये भी टी स्लॉट के अंदर ही फिट होता है जहां पर इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका हुक बोल्ट, ये देख सकते हो आप हुक बोल्ट आपका, तो ये भी काफी बार एग्जाम में आए हुए साथियों, तो इसको भी आप शेप अच्छे से देख सकते हो, तो इसी तरह से आपने एग्जाम के अंदर जो है बना के आना है। उसके बाद आता है हमारा आई बोल्ट, ये आई बोल्ट देख सकते हो बिल्कुल जो आई शेप के अंदर है, राउंड शेप में, जैसे आपने घरों में भी देखा होगा कुकर की जो सीटी होती है उसके ऊपर बोल्ट लगा होता है ये, तो ये वही बोल्ट है आपका आई बोल्ट। उसके बाद लिफ्टिंग आई बोल्ट, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये लिफ्टिंग का है आपका, ये दो टाइप के हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आपका ये रहेगा काउंटर शंक हेडेड बोल्ट, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये रहा काउंटर शंक हेडेड बोल्ट, इस तरीके से ये बना हुआ है काउंटर शेप के अंदर, तो ये देख सकते हो। उसके बाद आपका है ये बोल्ट और कैप स्क्रू, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल नीचे बोल्ट लगा हुआ, ऊपर आपके ये स्क्रू फिट किया जाएगा यहाँ पर। तो मोस्टली जो थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, तो इनको आप जो है अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये देखिए फ्री हैंड आया हुआ है, पिक्टोरियल व्यू बनाना है आपने हेक्सागनल बोल्ट का, तो इस तरीके से आपने बनाना है वहां पर एग्जाम में। तो ये जो मोस्ट कॉमन थे आपके जितने भी बोल्ट थे मैंने यहाँ पर आपको वन बाय वन बता दिए हैं, आप इनको एक बार अच्छे से बनाकर देखिए ड्राइंग शीट के ऊपर, क्योंकि आपको पता भी है आप डिपार्टमेंट ने भी जो है ई लर्निंग का जो है प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स को जो है टीचर के द्वारा ऑनलाइन स्टडी ही करवानी है, तो मेरा भी यही पर्पज है कि आपको जो ड्राइंग के सभी जो टॉपिक्स को मैं यहाँ पर ऑनलाइन आपको कवर करा सकूँ। तो आपका अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक तो दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ताकि वो भी मेरे चैनल के साथ जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की अच्छे से जो है तैयारी कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ जो है लॉकिंग डिवाइसेस और जो नट्स हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, और अपने अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और टाइम निकाल कर थोड़ा सा जो है अपनी स्टडी के लिए भी टाइम दीजिएगा, और डेली जो है मैं अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ, प्लीज उसको जो है मिस मत कीजिएगा, और डेली जो है अपनी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।